Hello everyone, myself Deepika Shah, Assistant Professor in Civil Department. First of all, I would like to welcome all of you in the 5th semester. I am going to teach you a design of structure in this semester. In a design of structure, there are two parts, RCC and steel. I am going to take RCC in this semester. So first of all, before going to design of structure, we should know a loads acting on a structure or a building. So anything which exerts a pressure on a thrust on a structure is termed as a load. The basic requirement of any structural component of a building is that it should be strong enough to carry or support all possible types of the load to which it is likely to be subjected, and the load coming on the building foundations are generally divided into a following types. So normally जो प्रेशर एक्सट्रैक्ट करता है कुछ भी, मतलब थ्रस्ट पे या स्ट्रक्चर पे, उसको बोलेंगे लोड. सो नॉर्मली जो अपना बिल्डिंग हम लोग डिज़ाइन करेंगे, उसकी डिज़ाइन ऐसे करेंगे कि उसके ऊपर जो जो भी लोड आने की संभावना है वो लोड को वो एक्सट्रैक्ट कर सके. सो नॉर्मली कितने टाइप के लोड होते हैं वो देखेंगे. सो फर्स्ट है डेड लोड, सेकेंड है लाइव लोड, उसके बाद है विंड लोड, उसके बाद है स्नो लोड, लोड ड्यू टू रेन एंड अर्थक्वेक लोड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे डेड लोड. सो इट इज़ अ परमानेंट, इमूवेबल एंड अनट्रांसफरेबल लोड ऑफ अ स्ट्रक्चर. सो दिस इज द लोड ऑफ द मटीरियल्स यूज फॉर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द बिल्डिंग सच एज वॉल्स, फ्लोर्स, रूफ, पार्टीशंस, सीलिंग्स, वाटर टैंक्स एंड शैल इंक्लूड द वेट ऑफ अदर परमानेंट कंस्ट्रक्शन और अ स्ट्रक्चर एंड फिक्स्चर्स. ऑल परमानेंट लोड्स आर थस इंक्लूडेड इन द डेड लोड. द डेड लोड ऑफ द फ्लोर, रूफ, बीम, सीलिंग एट्सेट्रा इज प्रोपोर्शनली ट्रांसमिटेड ऑन द सराउंडिंग वॉल्स. सो नॉर्मली डेड लोड क्या है? जो परमानेंट लोड है, जो इमूवेबल लोड है, जो मूव नहीं हो सकता है और अनट्रांसफरेबल लोड है. सो ये लोड को हम लोग डेड लोड बोलेंगे. तो नॉर्मली जो बिल्डिंग की वॉल्स होती है और बिल्डिंग के जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो फिक्स है, जो मूव नहीं हो पा रहे हैं, वो सारे कंपोनेंट्स डेड लोड में कंसिडर होंगे. सो नॉर्मली जो रूफ है, फ्लोर है, पार्टीशंस है, सीलिंग है, वाटर टैंक है, सो ये वाटर टैंक मतलब फिक्स वाली वाटर टैंक, RCC वाली. सो ये जो सारे कंपोनेंट्स ऑफ द बिल्डिंग्स है उसका जो लोड होगा वो डेड लोड के अंडर में आएगा. उसके बाद नेक्स्ट है डेड लोड ऑफ अ वेरियस मटीरियल. डिफरेंट मटीरियल के लोड कितना होता है वो बताया गया है इसमें. सो ब्रिक मैसनरी वॉल जो होती है, जो 10 सेंटीमीटर थीक होती है, उसका मीटर क्यूब में वेट है 192 kg पर मीटर क्यूब. रूफ GI शीट जो 0.50 mm थिक होती है, उसका वेट होता है 5 kg पर मीटर क्यूब. प्लेन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का वेट होता है 2300 kg पर मीटर क्यूब. रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का वेट होता है 2400 kg पर मीटर क्यूब. ब्रिक्स का वेट होता है 1600 to 1920 kg पर मीटर क्यूब. जो लाइमस्टोन्स होते हैं उसका वेट होता है 2400 to 2640 kg पर मीटर क्यूब. सैंडस्टोन का वेट होता है 2240 to 2400 kg पर मीटर क्यूब. टिम्बर का वेट होता है 650 to 720 kg पर मीटर क्यूब. स्टील का वेट होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब. सैंड का वेट होता है 1760 to 2000 तक होता है kg पर मीटर क्यूब में. सीमेंट का वेट होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब. एंड फ्रेश वाटर का वेट होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब. सो ये सारे हमें क्या बताया है? वेट बताया है किस पे? तो मीटर क्यूब में. अब हम देखेंगे लाइव लोड. जैसे कि डेड लोड क्या था? इमूवेबल लोड. तो ये उसका ऑपोजिट है. लाइव लोड क्या होता है? तो दिस इज द मूवेबल लोड, टेम्पररी लोड एंड ट्रांसफरेबल लोड.
जो हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं जो चीज़ें वो इसमें आएगी। तो सो दिस इज़ द मूवेबल टेम्पररी एंड ट्रांसफरेबल लोड ऑन द फ्लोर एंड हैंस इट इज़ अ वेरिएबल इन अ बिल्डिंग। द वेट ऑफ द इनहैबिटेंट्स फर्नीचर और एनी अदर स्टोर मटीरियल इज़ द लाइव लोड फॉर द बिल्डिंग। इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स नोन एज द सुपर इम्पोज लोड। For the purpose of the design and equipment of the dead load is taken into account. So ये जो सारे materials होते हैं जो movable होते हैं उसका जो load होता है वो live load में consider होगा। अब live load जो होता है उसका minimum live load कितना होता है, मतलब ये जो buildings होते हैं types of the buildings different different type के building होते हैं जो आप लोगों ने आगे ईसीई में पढ़ा था कि कौन से टाइप्स के बिल्डिंग होते हैं तो उसमें मिनिमम लाइव लोड कितना होता है। सो फर्स्ट है ड्वेलिंग हाउसेस हॉस्पिटल हॉस्टल, सो उसका 200 होता है। ऑफिस फ्लोर्स फ्लोर्स ऑफ लाइट वर्क रूम्स उसका 250 से लेके 400 केजीस तक होता है। फ्लोर्स ऑफ द बैंक्स ऑफिसेस एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स 300 होता है। शॉप्स फ्लोर्स रीडिंग रूम्स आर्ट आर्ट गैलरीज लाइट गैलरीज गैरेजेस सो उसका होता है 400। वर्कशॉप फ्लोर्स वेयर हाउसेस डांसिंग हॉल्स वेटिंग हॉल्स असेंबली हॉल्स सिनेमाज रेस्टोरेंट्स जिमनेजियम्स सो उसका 500 होता है। फ्लोर्स ऑफ द वेयर हाउसेस फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स का होता है 750। एंड फ्लोर्स ऑफ द वेयर हाउसेस फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स जो हैवी वेट की होती है उसका 1000 kg/m³ होता है वेट। अब ये लाइव लोड ये अलग अलग जगह पे अलग अलग क्यों है सिर्फ तो हमने आगे यहाँ पे देखा कि ये जो मटेरियल है उसका जो लोड होता है वो लाइव लोड में कंसिडर होता है। उसके साथ साथ उसके ऊपर जो ह्यूमन बींग्स मूव करते हैं जैसे कि हम लोग एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाते हैं तो हमारा वेट भी लाइव लोड में ही कंसिडर होगा। सो इसके लिए मतलब उसकी वजह से ये जो सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बिल्डिंग है उसमें उसमें लाइव लोड डिफरेंट है। ठीक है, द लाइव लोड आर अज्यूम टू बी एक्टिंग यूनिफॉर्मली ओवर द होल फ्लोर एरिया एंड द टोटल लाइव लोड इज प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द वॉल फाउंडेशंस फॉर द पर्पज ऑफ डिज़ाइन। द लाइव लोड इज अज्यूम टू एक्ट ऑन अ फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। In the case of multi-story buildings, some reduction is allowed in a different floors as it is assumed that all the floors of the building are not simultaneously loaded. A percentage reduction is applied in the design of piers, columns, walls and foundation of the multi-story buildings. So, जितने भी मतलब floors होते हैं जैसे कि number of floor carried by a member under a consideration और उसके सामने बताया है परसेंटेज रिडक्शन ऑफ अ टोटल लाइव लोड ऑन ऑल फ्लोर्स अबाउट द मेंबर अंडर अ कंसिडरेशन। सो जैसे कि जो ये वॉल है कॉलम्स है बीम्स है उसका लोड तो ट्रांसफरेबल लोड होता है। ठीक है, सो जैसे कि फर्स्ट फ्लोर होता है तो उसमें से कोई रिडक्शन नहीं होगा। सेकेंड फ्लोर में से 10% रिडक्शन होगा। थर्ड फ्लोर में से 20% रिडक्शन होगा। फोर्थ फ्लोर में से 30% रिडक्शन होगा एंड 5 to 10 फ्लोर तक 40% का रिडक्शन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है विंड लोड। सो इन द केस ऑफ टॉल बिल्डिंग द इफेक्ट ड्यू टू विंड शुड बी कंसिडर्ड। टॉल बिल्डिंग्स आर सब्जेक्टेड टू अ विंड प्रेशर ऑन देयर एक्सपोज फेसिस एंड इंक्लाइंड और अ स्लोपी रूफ सर्फेसिस। The effect of the wind pressure is to reduce the pressure on the foundation on the windward side and to increase the pressure on the foundation to the leeward sides. For purpose of a design, it is assumed that the wind load is acting horizontally at a uniform rate over the entire exposed surface on the windward side. So ये जो क्या पता क्या बोला इसने कि ये जो विंडवर्ड साइड है उसमें जो लोड लग रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सारी मतलब जी सारी जगह पे। और हम लोग जब टॉल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं
सो जब जैसे ये जो शॉर्ट बिल्डिंग्स होते हैं अप टू 5th फ्लोर तक की बिल्डिंग्स, तो उसमें हम लोग विंड लोड नहीं कैलकुलेट करते हैं, पर जैसे जैसे फ्लोर ऊपर चला ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे उसमें विंड का प्रेशर बढ़ता जाएगा। सो जब हम लोग हायर हायर स्टोरी बिल्डिंग्स का डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब हमें विंड लोड कैलकुलेशन कंपलसरी करना पड़ता है। विंड लोड प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन है पी इज इक्वल टू के वी स्क्वायर, वेर पी इज अ विंड प्रेशर इन ए के जी पर मीटर स्क्वायर, वी इज अ वेलोसिटी ऑफ द विंड इन ए किलोमीटर पर आवर, एंड के इज अ कोफिशियंट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन अ वेरियस फैक्टर्स सच एज विंड स्पीड, टेम्परेचर ऑफ द एयर एंड शेप ऑफ द स्ट्रक्चर। सो नॉर्मली एज पर अ बिल्डिंग कोड के इज इक्वल टू 0.0006 होता है। इफ़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज लेस देन ट्वाइस इट्स इफेक्टिव विड्थ द विंड प्रेशर मे बी निगलेक्टेड, मतलब कि उसकी जो इफेक्टिव विड्थ होती है उसकी अगर डबल हाइट होगी तो विंड प्रेशर निगलेक्ट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है स्नो लोड। तो जो जगह ठंडी होती है कि जहाँ पे स्नो होता है, मतलब कि हमारे यहाँ तो इतना स्नो नहीं होता है, पर जो मतलब आउट ऑफ में क्या होता है कि 8 मंथ स्नो रहता है। सो वहाँ पे जब डिज़ाइन का मतलब स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करेंगे तो स्नो लोड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो स्नो लोड एक्स ऑन अ रूफ, एक्चुअल लोड ड्यू टू अ स्नो विल डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द रूफ and its capacity to retain the snow. Roof should be designed for actual load due to a snow or for imposed load, whichever is more safer. The mountainous region in the northern parts of the India are subjected to a snowfall, so loads of the snow may be taken as a 2.5 kg per meter square per centimeter depth of the snow. अब नेक्स्ट है लोड ड्यू टू रेन। सो ऑन द सर्फेस ऑफ द रूफ्स हुज पोजिशनिंग शेप एंड ड्रेनेज सिस्टम आर सच एज टू मेक अ एक्यूमलेशन ऑफ रेन वाटर पॉसिबल, लोड ड्यू टू सच एक्यूमलेशन ऑफ वाटर एंड द लाइव लोड ऑफ द रूफ शैल बी कंसिडर्ड सेपरेटली एंड द मोर सेवर ऑफ अ टू शैल बी कंसिडर्ड इन अ डिज़ाइन। सो मतलब यहाँ पे क्या बताया है कि जो लोड होता है मतलब जो रेन का वाटर होता है, अगर ड्रेनेज सिस्टम ऐसी है कि रेन वाटर एक्यूमलेशन पॉसिबल है तो उसका जो लोड होता है वो अलग से कैलकुलेट होता है और जो लाइव लोड ऑफ द रूफ होता है वो भी अलग से कैलकुलेट होता है। उसके बाद है अर्थक्वेक फोर्सेस। अर्थक्वेक कॉजेज अ शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, शो बिल्डिंग रेजिस्टिंग ऑन इट विल एक्सपीरियंस अ मोशन एट इट्स बेस, द रैंडम अर्थक्वेक ग्राउंड मोशंस which causes the structure to vibrate and can be resolved in any three mutually perpendicular directions. The prominent direction of a ground vibration is usually horizontal. The engineering intention is to make a building earthquake resistant. Such building resists the effect of a ground shaking, although they may get damaged but would not collapse during the strong earthquake. Thus, safety of people and content is assured in earthquake resistance building. मतलब कि हमने जब अर्थक्वेक का लोड कैलकुलेट करके अगर बिल्डिंग का डिज़ाइन किया होता है तो अगर हाई स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आता है तो भी बिल्डिंग कॉलेप्स नहीं होता है, उसमें शेकिंग होता है, उसमें फील होता है कि अर्थक्वेक आया बट बिल्डिंग कॉलेप्स नहीं होता है। सो आफ्टर अर्थक्वेक इन इंडिया अर्थक्वेक फोर्सेज आर कैलकुलेटेड इन अ डिज़ाइन एंड ऑल्सो अर्थक्वेक रिंग्स आर प्रोवाइडेड इन अ बीम्स एंड कॉलम्स एंड अदर जॉइंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। बात करेंगे डिज़ाइन फिलोसॉफी की। और रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर शुड बी सो डिज़ाइन दैट इट फुलफिल इट्स इंटेंडेड पर्पज ड्यूरिंग इट इंटेंडेड लाइफ टाइम, द एडिक्यूट सेफ्टी इन अ टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, the adequate serviceability in terms of stiffness and durability and reasonable economy. So
Thus, all structure must be designed to be safe, serviceable, and economical. As per IS 456/2000, clause number 18, it permits three methods of design. There are working stress method, limit state method, and method based on experimental investigations. But we are studying working stress method and limit state method in this subject. So these two methods are used in a design of RCC structure. Working stress method is an old method and limit state method is a new revised method. So in IS 456/2000, the limit state method is used. So what is limit state method? So in this method, the design of a structure shall be designed to withstand a safety all the loads liable to acting on throughout its life. So it shall also satisfy serviceability requirements such as the limitations on deflections and crackings. The aim of design is to achieve acceptable permeabilities that the structure will not become unfit for use for which it is intended. It will not reach a limit state. The limit state design philosophy uses a multiple safety factor format which attempt to provide adequate safety at ultimate loads as well as adequate serviceability at the service loads by considering all the possible limit states. For ensuring the above objective, the design should be based on a characteristics value for a material strength and applied load, which takes into account the variation in the material strength and in load to be supported. The characteristics value should be based on a statistical data if available. Where such data are not available, they should be based on experience, and the design value are derived from the characteristics value through the use of partial safety factor, one for a material strength and the other for a load. So the principal limit state are two, the limit state of collapse and limit state of serviceability. The limit state method has been discussed in a detail in our code IS 456/2000, which we will use in a design of concrete elements. And the second method is a working stress method, that is also called a WSM. This is the traditional method of design used not only for a reinforced concrete but also for a structure steel and timber. So this method of design was evolved around the year 1900. It was revised in 1957, 1964 and 1978, and it was last revised in 2000. So that's why we are saying IS 456/2000. This method is based on a linear elastic theory. So in this method, adequate safety by suitability, restricting the stress in a materials like a concrete and steel, induced by expected working load on a structure. So in this method, it is assumed that the concrete and steel are elastic at the worst combination of the working loads. The stresses in a material are not extended beyond the permeable stresses. The permeable stresses are found, but by using a suitable factor of safety of the material, like for example, the concrete in a compression due to bending, a factor of safety is equal to 3 is considered in 28 days. So working stress method does not consider the mode of failure at the structure. Also, the reverse strength of the material beyond the yield point is considered in this method of design. So there are some demerits of the WSM. So we will discuss some demerits of this method. So first is that WSM does not show the real strength nor give the true factor of safety. Second, the modular ratio design results in a larger percentage of compression steel than that given by the limit state design, thus leading to uneconomic design. Third is because of a creep and non-linear stresses and strain relationship, concrete does not have definite modular of elasticity. Fourth is it assumes the stress and strain relationship for a concrete is constant, which is not true. Fifth is WSM does not consider the mode of failure of a structure like a ductile or material. Seventh is the WSM fails to discriminate between a difference
type of loads that act simultaneously but have a different uncertainties. And the last is it give a larger section of a structure element, so it is uneconomical sections. There are some merits of WSM. So first is it is simple both in a concept as well as in application. The design usually result in a large section of a structure members compared to the LSM. Due to this, structure designed by WSM give a better serviceability, performance, and less deflection, less crack width, etc. And third is it is a reasonably reliable. So basically these two methods we will going to learn in this subject, but we will use LSM method, which is also given in IS 456-2000. So we will see in next lecture what is IS 456 and how we can use this code in design of a RCC structure. Thank you so much.